गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग संगीता मैम, आज प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा नाम है महावीर कैंत्रा और आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम संगीता भंडारी जी, जो प्रेसिडेंट डायमंड है वीएलसीसी वेल्थ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी जर्नी से। संगीता जी जी, थैंक यू महावीर सर। तो मेरी जर्नी की बात की गई, शुरुआत तो एज अ हाउसवाइफ स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे, और हालांकि बीसीए कर रही थी तो माइंड सेट था कि जॉब ही करनी, बट मुझे ये रियलाइज हुआ इस टाइम पीरियड में कि जॉब करना वैसे थोड़ा सा कठिन होता है एक फीमेल के लिए, क्योंकि फुल डे जब हम घर से बाहर रहते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं हमारे पीछे जो घर के हालात होते हैं उसको लेकर। और लकीली जब मैं ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर हम अपने टाइम को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए भी वर्क कर सकते हैं। और मैंने देखा कि उस टाइम पे कुछ ऐसी फीमेल्स थी जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए 10-15 हज़ार रुपए इजिली अर्न कर रही थी, तो मुझे ये चीज अट्रैक्ट करी और मुझे लगा कि चलिए क्यों ना मैं भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टअप करूं, और ये सोचकर शुरुआत की थी। 10-15 हज़ार से ज्यादा के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो काफी सारी चीजें जो आप सोचते भी नहीं है वो भी आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, हालांकि चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं लाइफ में, आज भी जो चैलेंजेस हैं वो हैं, यानी कि हर स्तर पे हमें एक अलग तरह का चैलेंज फेस करना होता है, शुरुआती लेवल पे अलग और आगे चल के अलग। तो शुरुआत में थोड़ा सा बिलीफ लेवल थोड़ा सा कम होता है, जो लोग हमारे साथ नए हैं उनके साथ भी ये चीजें जरूर आ रही होंगी, लगता है पता नहीं ये लोग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सेम मेरे साथ भी चल रहा था। और लेकिन ये इस बिजनेस की अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अकेले कभी भी नहीं होते हो, हमेशा आपके अपलाइन आपके साथ खड़ी होती है, आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके जो मेंटोर हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में आकर आपको एक सही अपलाइन के साथ अपनी काउंसलिंग रेगुलर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी आपको ये लग रहा है कि अगर बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं या आपको कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है, तो अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से, अपने मेंटोर से उसे कंसल्ट जरूर करें। तो यही मेरे साथ रहा। स्टार्टिंग लेवल पे काफी कुछ फेस करना पड़ रहा था, लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ महावीर सर का, रुपेश सर का, जिन्होंने समय समय पर मुझे गाइड करते रहे। और शुरुआती लेवल पे जैसे मैंने कहा कि बिलीफ लेवल बहुत कम होता है, तो जो ड्रीम की जब बात की जाती है, जो अक्सर हमारे लीडर्स ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं, तो जब मैं भी ये चीजें सुनती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये चीज पूरी हो पाएगी भी या नहीं। तो शुरुआत में मैंने अपनी एक सिर्फ बर्तन रखने की अलमारी का ड्रीम रखा था जिसकी कॉस्ट सिर्फ 2700 रुपए थी, और लग रहा था कि अगर ये भी मैं अचीव कर लूं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और जब मैंने उसे अचीव किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई जब अपनी खुद की इनकम से एक हाउसवाइफ, एक फीमेल जिसने कभी कोई इनकम जनरेट की ही नहीं, अगर वो अपनी खुद की इनकम से कुछ भी चीज लेकर आती है अपने घर में तो उसकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है। तो वो चीज मेरे साथ रही उस टाइम पे, और उस ड्रीम ने मेरे अंदर एक बिलीफ लेवल पैदा किया कि अगर ये हो सकता है तो थोड़ा सा और बड़ा देखा जाए तो शायद वो भी हो सकता है। और लकीली मेरे लाइफ में वो टाइम भी आया जब मैंने अपना 4-व्हीलर का ड्रीम रखा और उसे भी पूरा किया। घूमने के लिए यहाँ पे ट्रिप की बात होती है और आप लोग भी अक्सर सुनते होंगे ट्रिप्स होती हैं, घूमने जाते हैं। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं कभी ऋषिकेश से बाहर नहीं गई, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सी ऐसी जगह, यानी कि 12-13 ऐसी ट्रिप्स हैं जो हमने इस बिजनेस के साथ किए। लग्जरी लाइफ क्या होती है वो जीने का मौका मिला, और होटल ताज की जो मेमोरी है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। जो हमारा मैजिक हैंड्स अवार्ड जो फंक्शन था, अमेजिंग फंक्शन था, जिसके लिए मैं वीएलसीसी की इस लाइफ को तो कभी भूल ही नहीं सकती, जो नाइट हमने वहां पे बिताई थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है कि मेरा अब तक का रहा है, बहुत अच्छा सफर वीएलसीसी वेल साइंस के साथ रहा है।
जो भी सोचा है वो अचीव किया है और डेफिनेटली नो डाउट आगे भी सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में जो पावर है वो और कहीं भी नहीं है। यहाँ पर आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो, सिर्फ आप उसे सोचने की ताकत अपने अंदर लेकर आए। आप उसे सोच कर तो देखें। मैं ये कहती हूँ कि चलो 1% अगर हम ये भी मान लें कि नहीं होगा तो भी आज भी तो वो चीज नहीं है, तो सोच कर देखने में क्या है। अगर सोच कर देख लिया और अगर वो हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी फोर व्हीलर चलाऊंगी, लेकिन आज मैं फोर व्हीलर जो है कि ड्राइव करती हूँ। मेरे अपनी खुद की जब गाड़ी के में मैं बैठती हूँ तो मुझे एक प्राउड फीलिंग होती है कि ये मेरी खुद की अपनी कमाई से ली हुई है। तो यहाँ पर जो भी सपने आप देखते हैं उसे पूरा करने के लिए न केवल आप बल्कि आपके मेंटर आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी होती है। और जिस दिन आप अपनी टीम के सपनों के लिए काम करना शुरू करते हैं उस दिन आपके सपने तो ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाते हैं। तो मुझे यही कहना है सर कि जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर विश्वास रखें, इस पर बिलीफ रखें और अपने सपनों को हमारी तरह, महावीर सर की तरह, अपने सारे सपनों को पूरा करते चले जाएं। थैंक यू। ये थी संगीता मैम, और संगीता मैम ने बहुत अच्छे से बताया और बहुत काफी सारे सपने मैम ने अपने पूरे किए। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज का जो सेशन है हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और इस सेशन में अगर हम बात करें, डर के आगे लिस्ट है, यस, क्योंकि जब हम नए होते हैं डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। कई बार क्या होता है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा होता है ना, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं वो कुछ ही लोगों के साथ काम करते हैं और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो लोग कमिटमेंट देना बंद कर देते हैं या वो प्रायोरिटी नहीं दिखा रहे होते हैं। यस, कई बार क्या होता है, बिल्कुल नए हैं, आपने दो से बात की, दो ने मना कर दिया, आपको लगता है क्या होगा, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो डर हमेशा रहेंगे और डर के आगे लिस्ट है। यस, लॉकडाउन है अभी जिस समय हम मीटिंग कर रहे हैं, कर्फ्यू जैसे हालात है कई जगह पर, बट उसके बावजूद भी जो ये डर है, जॉब्स इंडिया में जा रही हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 90%, 80%, 50% रह गई हैं, कुछ लोगों की जॉब जा चुकी है बहुत बड़े पैमाने में। तो ऐसे में देखिए, लिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस में। और एक गाना मुझे याद आता है ना, आपको आप पढ़ सकते हैं इस गाने को। और तो यही सवाल है सभी के आजकल, किसे बेचें, है ना, कौन है जो खरीद सकता है, कौन है जो ज्वाइन कर सकता है, इस समय लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कैसे खोजें उनको। यस, तो ये कहीं ना कहीं सवाल है बहुत सारे लोगों के। तो देखिए, लोग हमेशा हैं आपके आसपास, और इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। यस, एक बार दो सेल्समैन अफ्रीका में गए जूते बेचने, और जब वो जूते बेचने गए तो वो जैसे ही वहां पे उन्होंने एंटर किया तो जंगल में उन्होंने देखा वहां पे कोई भी जूते नहीं पहनता, सारा आदिवासी इलाका है। तो दोनों के दोनों एकदम से एसटीडी में गए, वो उस जमाने में एसटीडी होती थी, पहले ने एसटीडी में फोन लगाया, ट्रिंग ट्रिंग, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ और जो ऑर्डर है जूतों का वो कैंसिल कर दो, जो मैं लेके आया हूँ मुझे नहीं मालूम इनका मैं क्या करूंगा, मैं कैसे वापस आऊंगा, और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे ने फोन किया अगेन, ट्रिंग ट्रिंग, और उसने कहा कि अरे आपने जो स्टॉक भेजा है वो तो बहुत कम पड़ जाएगा, मुझे 5 गुना 6 गुना स्टॉक चाहिए और आज के आज डिस्पैच चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो जूते किसी के पास है ही नहीं। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, रेस्पॉन्ड कैसे करना है ये हमारे हाथ में होता है। यस, और उसके बाद जो दूसरा सेल्समैन था उसने क्या किया कि कैसे होगा। यस, जब हम अपने आप से पूछते हैं कैसे होगा, क्या किया जाए, यस, कितनी बार पूछा आपने अपने आप से ऐसा। कई लोगों की जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो वो क्या करते हैं, जिराब की तरह अपना जो मुंह है वो छुपा देते हैं रेत में, लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं जो कहते हैं क्या किया जाए, कैसे होगा, कैसे करना तो है बट कैसे होगा।
तो क्या आप क्या सवाल पूछते हैं जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं? आप मुझे चैट में लिख सकते हैं कि आप ये बोलते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता, या बोलते हैं कैसे होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे खोजें ये एक इम्पोर्टेंट, देखिए ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है, ये एक डायलॉग है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कहा जाता है ऐसा। तो जिसके पास लोग हैं उसके पास वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप आज देखें फेसबुक ने मतलब कितने एग्जैक्ट अमाउंट में मुझे ध्यान नहीं, बट उन्होंने काफी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है जियो की एक छोटा सा एक हिस्सा खरीदने में, और मुकेश अंबानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। उनके अलावा एक और व्यक्ति है उसने, क्योंकि जियो के पास आज क्या है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है? क्या आप आज भी वो 10-12 लोगों की लिस्ट लेके बैठे, या आपके पास वो 5-10-15-20 हजार लोगों की का डाटाबेस आपने तैयार कर लिया है? आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? आपके नेटवर्क में कितने लोग रीऑर्डर करते हैं? आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जो नए आते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम लोग इस फ्राइडे को एक कोर लीडरशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इस कोर लीडरशिप की ट्रेनिंग में जो गोल्डन अबव है वही आ सकते हैं। तो बट जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको भी हमने एक मौका दिया है, अगर वो 1250 सेल्स वॉल्यूम की 2 ज्वाइनिंग कराते हैं और पर्सनल आईडी पे 500 सेल्स वॉल्यूम करते हैं तो वो भी उस मीटिंग में आ सकते हैं, बट उनको ये थर्सडे तक करना होगा। तो जो हमारी कोर लीडरशिप मीटिंग है, हमने कोर लीडरशिप मीट में हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल आगे की बात करते हैं। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1000 लोगों की लिस्ट से पहले रुकना मना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 लोग कुछ भी नहीं होते। आज इतने सारे आइडियाज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो 1000 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास लोग नहीं होते, जब हमारी लिस्ट में लोग नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे सपने कितनी जल्दी पूरे होंगे डिपेंड करता है कुछ लोगों पर। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, इनफैक्ट जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था और मैं इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सफल होना शुरू किया, तो एक बार मेरी डाउनलाइन ने मुझसे पूछा कि सर मेरी टीम में तो कोई रिटेन ही नहीं करता। तो मैंने कहा आपकी टीम में कितने लोग हैं? उसने कहा मेरी टीम में 250 लोग हैं। तो मैंने कहा 2500 कर दो। अगर लोग रिटेन नहीं हो रहे तो 250 को 2500 कर दीजिए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग भीड़ का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम का बिजनेस है। जब आपकी डाउनलाइंस देखती है कि हमारे जो लीडर्स है उसके पास लोग नहीं है, उसकी मीटिंग्स में लोग नहीं आ रहे, लोग ग्रो, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये काम चल नहीं रहा, कुछ और देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी 1000 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। एक दिन में आप बना सकते हैं, ये फॉर्मूले मैं आपसे शेयर करूंगा। हालांकि आप इसको रेगुलर कीजिए, तो हो सकता है कि आप इसको अगर आप रेगुलर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अगर इसको रेगुलर अगर आप करते हैं इसको तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बनेगी कहाँ से, है ना? बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बहुत सारे नए तरीके हैं जिसपे मैं आज बात करूंगा आपसे। और देखिए बेसिक्स जो है वो हमेशा सबके लिए है, नए व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आज भी कोशिश करता हूं कि 2 घंटे में बिना रुके थके कॉल्स करूं। जैसे ये कमरा है, तो जब लॉकडाउन आया तो मैंने अपनी फैमिली को कहा मुझे ये कमरा चाहिए, और मैं इस कमरे में केवल और केवल मैं ही होता हूं सुबह से शाम तक, और मैं यहां पे बैठ के मीटिंग्स करता हूं, ट्रेनिंग्स करता हूं, 1-on-1 कॉल करता हूं। और इनफैक्ट मैं 8 से 10 घंटे इस कमरे में बिताता हूं, कोशिश करता हूं कि रोज ऐसा करूं। तो देखिए मेन क्या है, 2 घंटे की कॉलिंग बहुत जरूरी है। सुबह 8 से 10 2 घंटे अगर आपने कॉल्स कर लिया तो आप आज कल परसों नर्सों की अपॉइंटमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो 2 घंटे की कॉलिंग्स, जैसे अगर आप मुझे देखे, जैसे एप्पल में क्या होता है, एप्पल में एक लिमिटेशन होती है कि इसमें स्पीड डायल नहीं होता। तो मैंने जैसे स्पीड डायल ऐप की हुई है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने जो मेरी टीम के लोग हैं 50 लोगों के नंबर्स, मैं सुबह उठ के कोशिश करता हूँ कि मैं 50 लोगों को कॉल कर पाऊँ रोज, कुछ नए लोगों से बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज 2 घंटे की कॉलिंग, देखो जिंदगी भर काम नहीं करना। जैसे मैं कुछ लोगों को दिखा रहा था कि लास्ट वीक भी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, 1.5 लाख रुपए के आसपास इनकम आई। देखिए लॉकडाउन में भी इनकम आना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी खासकर उस महीने के बाद जब आपकी टीम में जब डिलीवरीज ना हो रही हूँ,
तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने 2017 के बाद कोशिश की मैं कि मैं रोज 2 घंटे कॉलिंग करूँ, और इनफैक्ट मैंने की है यस। और एक समय तो ऐसा था कि मैं 12-12, 14-14 घंटे भी मैंने काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। देखिए फैसला आपको करना है, आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितना समय लगाने वाले, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी, या 3 महीने, या 6 महीने। देखिए नए लोग SW फॉर्मूला होता है, सम विल सम वॉन्ट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो वॉट, क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग, कोई है जिसको आपकी जरूरत है। और इस समय तो अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे दुकानें नहीं खुल पा रही थी, शॉपिंग मॉल्स खुल नहीं रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज आपकी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जिनके साथ आप खड़े हो सकते हैं, आप हमारे देश की मदद कर सकते हैं इस रिसेशन से बाहर निकलने में। यस, तो ये 2 घंटे की जो कॉलिंग है ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये करना होगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा करें। कोशिश कीजिए कि अगर आप 2 टीम में काम करते हैं तो 10-10 लोग लेफ्ट राइट दोनों टीमों के होने चाहिए। अगर आप 4 टीमों में काम कर रहे हैं तो 10-10 लोग चारों टीमों से, यस। और अगर आप देखिए कोशिश कीजिए कि 10 लोग नए भी हों, 10 लोग नए भी हों, नया डेवलपमेंट क्या है, यस, नया बिजनेस कहाँ से आएगा, नए लोग चाहिए हमें इस बिजनेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए 100 out of कितने नंबर देते हैं आप अपने आप को, अगर आप 100 से ज्यादा कॉल कर रहे हैं, 100 out of 100, अगर आप 10 ही कॉल कर रहे हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड फेल है, आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने में बहुत समय लग जाएगा, यस। 100 में से 33 नंबर में तो पासिंग मार्क्स होते हैं, तो क्या 33 कॉल्स कर पा रहे हैं आप, क्या आप 40 कॉल्स कर रहे हैं, क्या आप 50 कॉल्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहाँ से आएंगे आपका सवाल हो सकता है, तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि लोग नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मैं आपको आज टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसे यस, तो थैंक यू वेरी मच देवज्योति जी, और बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलों से ही हम आगे बढ़ना सीखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक शख्स और हैं जो संगीता भंडारी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी वॉइस के लिए, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत क्लियर है और उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा है। तो आपके जो भी सवाल है आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे खुद को, यस। 100 text message अगर मैं बात करूं, क्या रोज कर रहे हैं आप, जैसे मेरे पास जियो का एक सिम है, मेरे पास एक सिम है एयरटेल का, एप्पल में बहुत मुश्किल होता है 100 कॉल करना, बट मैंने MI का फोन लिया था, तो उसमें क्या होता है कि आप 100 मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के 100 का आप कीजिए। तो ये 100 text message बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने देखा है मैंने 15 ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, हरिद्वार की अलग है, ऋषिकेश की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, राजस्थान की अलग है, और मैं रोज कोशिश करता हूँ, बल्कि कुछ लोगों के पास मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो क्या जो आपकी टीम है, क्या जो पाइपलाइन है, आप, हम बकेट कैरियर वाले लोग नहीं है, हम बाल्टी ढोने वाले लोग नहीं है, हम पाइपलाइन बनाते हैं। तो क्या जो पाइपलाइन है आपकी, उनमें वो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, यस। आज 11 बजे हमने, आज 11:30 बजे हमने आज डॉक्टर संजय कुंडलिया जी और उनकी जो वाइफ है दिव्या कुंडलिया जी, उनको सुना, जो नेचुरोपैथ में है बेसिकली, उनका एक्सपीरियंस हमने सुना। और अभी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, शाम को 9:30 बजे हम एक और सेशन करेंगे, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल जो हमारे लीडर हैं, जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ यहाँ पे ली हैं, उनको हम जानेंगे फेसबुक लाइव में। तो बेसिकली अगर आप देखें, हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, यस, हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब प्रीमियर कर रहे हैं, यूट्यूब प्रीमियर हम करते हैं 11 बजे, फेसबुक लाइव हम करते हैं 9:30 बजे, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम फेसबुक लाइव 4:30 बजे भी करें, 5 बजे की जगह, तो 4:30 हम लोग ट्राई करते हैं कल से, और 5:30 बजे हम ये मीटिंग करते हैं। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कैसे बनाएं, इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, इंटरनेट मार्केटर के नाम से, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, VLCC वेल साइंस जो हमारा चैनल है उस पर डला हुआ है वीडियो। ग्रुप्स,
जैसे ग्रुप्स भी मैसेज करता हूँ, तो ग्रुप्स बनाइए, अपनी टीम को ऐड कीजिए, ग्रुप्स बनाइए, और इसके अलावा मेंटोर्स के साथ जो भी आपके अप्लायंस है, जो भी आपके इमीडिएट अप्लायंस है, उनसे कुछ लोगों की बात जरूर कराइए। यस, तो ये बहुत बढ़िया है। और आप अगर इस बिजनेस में नए हैं, तो आपके जो इमीडिएट अप्लायंस हैं, क्या आपने उनके साथ कुछ लोगों की जो आपके 40-50 कॉल्स हैं उसमें से कोशिश कीजिए 10-20 कॉल्स उनके साथ कीजिए, 5 कॉलेज के साथ, 2 कॉलेज के साथ, 3 कॉलेज के साथ। आपके मेंटोर्स कैसे बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करना सीखिए। व्हाट्सएप में भी अभी 8 लोगों की वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई है। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए कि आपके जो अप्लायंस है वो कैसा कर रहे हैं। डुप्लीकेशन के ऊपर हमने एक ट्रेनिंग की थी, जिसका पहला फेज था आई डू यू सी, मैं करता हूँ तुम देखिए। दूसरा था यू डू आई सी, आप कीजिए मैं देखता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइंग को देखना कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं वो उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। और देखिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो आप खुद है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम एक वायदा कर सकते हैं अपने आप से। देखिए मेन क्या होता है, जैसे अगर आप मुझे देखेंगे, मेरे हाथ में एक बैंड है, और इसको मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे हाथ में एक बैंड है, और जब भी मैं, जैसे मैं अगर 2 घंटे कॉल नहीं करता तो मैं इसको बहुत तेजी से ऐसे करता हूँ, है ना, तो मुझे थोड़ा सा पेन होता है। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठवाता तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो आप कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे आप खुद को कि आप वो 2 घंटे कॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी है। 100 टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप, जो ब्रॉडकास्ट है आपकी उसमें आप इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ग्रुप से फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेंटोर के साथ आप अपनी बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, टीम की बात करा पा रहे या नहीं करा पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने क्या किया है, वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर, हम वही आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं। यस, तो ये सारे के सारे वीडियो हम लोग ऑनलाइन डाल चुके हैं, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी जो ट्रेनिंग मैं आज कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग हमने यूट्यूब में डाली हुई है, यूट्यूब में हमने ये ट्रेनिंग ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। शब्द अलग हो सकते हैं, स्लाइड अलग हो सकती है, बट काफी कुछ इसे मिलेगा आपको। वेलकम टू VLCC वेल साइंस, VLCC वेल साइंस में आपका स्वागत है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी YouTube में है, और गोल सेटिंग के ऊपर Facebook लाइव, YouTube हम दोनों कर चुके हैं। इनविटेशन मास्टरी, लोगों को इनवाइट कैसे करें, प्रेजेंटेशन मास्टरी, प्रेजेंटेशन कैसे करें, क्लोजिंग मास्टरी, लोगों को क्लोज कैसे करें, लीडरशिप मास्टरी, प्रोडक्ट्स मास्टरी, ऑपरेशन मास्टरी। तो ये सारे के सारे सेशंस, अगर हम ऑपरेशन मास्टरी को छोड़ दें, बाकी सारे के सारे सेशंस हमने यूट्यूब में आपके लिए डाले हुए हैं, VLCC वेल साइंस पेज में। आपकी जो अपलाइन है उनसे पूछिए कि ये कहाँ पे है, कैसे मिलेगा लिंक, वो आप तक पहुँचा पाए। देखिए सीखना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों से बात करते हैं फोन में, तो सामने वाला आपसे बात करते ही जान जाता है कि ये व्यक्ति, आप मेरी अपलाइन, क्या यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, क्या ये इस व्यक्ति की जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो सेशंस है ये जल्दी जल्दी आप सीखिए। और आज का जो सेशन है हमारा वो ये है कि हम एक दिन में 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। थोड़ा सा तैयारी कीजिए, एक स्क्रिप्ट मैसेज, आपकी अपलाइंस कैसे बात करती है, एक स्क्रिप्ट मैसेज, कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कीजिए। जो हमारा फेसबुक पेज है VLCC वेल साइंस ऑफिशियल, जो कंपनी का पेज है VLCC माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम, जो हमारी टीम का पेज है, पिक्चर्स निकालिए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स को निकालिए, उनको स्टोर कीजिए, उनको स्टार कर सकते हैं, आप स्टार कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां से निकाल के शेयर कर सकते हैं। वीडियोस देखिए, कौन कौन से वीडियोस हैं, यूट्यूब लिंक संभाल के रखिए, फेसबुक वॉच पार्टी। जैसे अभी हमने क्या किया, आज हमने ठीक 5 बजे, कल से हम कोशिश करते हैं, कल से 4:30 बजे हम लोग फेसबुक लाइव करेंगे। 5 बजे हमने फेसबुक लाइव किया, फर्स्ट रिव्यू जो हमारे सैनिटाइजर है उसका। तो आप उसकी वॉच पार्टी कीजिए। वॉच पार्टी में क्या होता है कि आप वॉच पार्टी जब करते हैं तो आपके लोगों को आप दिखाई देते हैं और वो वीडियो दिखाई देता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम आपको रोज मौका दे रहे हैं कि आप वॉच पार्टी कर पाएं 5:30 बजे। यस, और 5:30 बजे और 9:30 बजे, तो 9:30 बजे जो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है आप उसकी वॉच पार्टी जरूर कीजिए। और हमारे साथ सुशील असवाल जी हैं, जो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट नोटिस में। सुशील जी। सर, एक अपडेट व्हाट्सएप के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअली अगर जो हमारा पुराना व्हाट्सएप है, अगर हम उसको अपडेट करते हैं तो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, हम उसमें मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लोग अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो व्हाट्सएप को अपडेट ना करें,
क्योंकि अगर व्हाट्सएप जैसे आप अपडेट करते हैं तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो मैसेज हम पहले जो बना रखे हैं हमने उसको अगर फॉरवर्ड करते हैं वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी आई है कि ग्रुप में लोग मैसेज ना कर पाए, तो ये व्हाट्सएप ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है सर ना। तो जो पुराना जो व्हाट्सएप अगर वही रहने दें उसको अपडेट ना करें तो वो वैसे ही रहेगा। ये सुशील जी थे हमारे साथ और डेफिनेटली मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप अपडेट किया था तो मैं उसमें मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट में। यस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा आप देखिए, फेसबुक वॉच पार्टी जरूर कीजिए, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। एक स्क्रिप्ट आप तैयार कीजिए। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे हम लोग यूट्यूब प्रीमियर कर रहे हैं सुबह 11:30-11 बजे के आसपास, फेसबुक लाइव हम लोग कर रहे हैं रोज दो, जूम मीटिंग हमने रेगुलर कर ली है 5:30 बजे और बहुत खुशी की बात है कि जूम ने भी जो एनक्रिप्शन था उसका एंड टू एंड उस पर काम कर दिया है जूम ने और मई के बाद कोई चैलेंज नहीं आएगा इस तरह का। तो जैसे बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डर था कि जूम में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती, तो जूम ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। इनफैक्ट मीटिंग से पहले भी जूम में अपडेट होता है, मीटिंग के बाद भी अपडेट होता है और अभी जूम ने उसका पूरा सलूशन निकाल लिया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, ये सारे के सारे टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन सपोर्ट 0111-7767-000-400, अगर आपने इस नंबर पर मिस कॉल नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। इस नंबर पर मिस कॉल करते ही आपको कंपनी से सारे के सारे ऑफर्स आपके पास आने लग जाएंगे। YouTube में VLC Wealth Science जिसमें 6000 सब्सक्राइबर हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook में VLC My One Million Smile Stream जिसमें करीब 25000 से ज़्यादा लोग हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कॉल सेंटर नंबर है हमारा, बट अभी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है ये दो नंबर हैं इस समय, 9909-54-888-7703-97470। तो ये जो कॉल सेंटर नंबर हैं अभी के लिए हैं। और आपके पास आपके 3 एक्टिव अप्लायंस के नाम और मोबाइल नंबर हमेशा रहना चाहिए। यस, तो आप मेरा भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। कॉलिंग में जब बात करना मेरे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपके अप्लायंस का के सवालों आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8433037878। तो ये हमने बात की। अब हमारा सवाल ये है कि क्या क्या तरीके हैं बहुत तेजी के साथ लिस्ट को बढ़ाने के। और ट्रेडिशनल तरीके हम जानते हैं, एक होता है हॉट, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो हॉट वो लोग होते हैं जो हमारे खास लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने किसी से बात की जो जिस आदमी में खरीदने की बहुत ज्यादा इच्छा थी वो हॉट कॉन्टेक्ट है, जिस आदमी को लगा आपको कि नहीं ठीक है सोचता हूँ करता हूँ देखता हूँ तो ये वार्म है, एक आदमी है जो आपको लगता है खरीदेगा ही नहीं तो कोल्ड लिस्ट होगी। हॉट वार्म कॉल्ड आप इस तरीके से देख सकते हैं उनका इंटरेस्ट कितना है खरीदने के ऊपर, चीजों को खरीदने के ऊपर। प्राथमिकता सेट कीजिए पहले किसको बताना है। यस, तो बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास जिससे आप देखिए। पहली बात तो क्या है, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आप बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनपे हम लोग बात करेंगे। जो आपके क्लोज लोग हैं उनसे पहले प्रोडक्ट की बात कीजिए क्योंकि वो आप विश्वास करते हैं, तो प्रोडक्ट की बात कीजिए, बिजनेस की बात उनसे ना शुरुआत में ना करें तो अच्छा रहेगा। और अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाता रहिए। देखिए एक बार के लिए हो सकता है आपका बेटा आपको बिजनेस में सपोर्ट ना करे लेकिन डेटा आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। रिपीट कर सकते हैं, हो सकता है एक बार के लिए आपका जो बेटा है वो इस बिजनेस में आपको सपोर्ट ना करे इस बिजनेस में, बट जो डेटा है वो आपको हमेशा सपोर्ट करने वाला। तो डेटा बढ़ाइए, नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन क्या है, नीड क्या है सामने वाले की, प्रोडक्ट चाहिए उसको, प्लान चाहिए, डिसीजन मेकर है या नहीं है, मनी, पैसा, पैसे की नीड क्या, उसके पैसा है इस समय। यस, कई बार क्या होता है कि हम किसी जॉब वाले व्यक्ति को 25-30 तारीख को मिलने जाते हैं तो थोड़ा चैलेंजेस आता है क्योंकि जॉब वाले व्यक्ति के पास तब तक पैसा नहीं होता। बेस्ट टाइम होता है जब उसके पास पैसे अगर आपको मिले स्टार्टिंग के टाइम पे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हमने बात की। फर्स्ट सर्कल में FNR आते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर्स आते हैं। सेकंड सर्कल में कलीग्स आते हैं, सोशल सर्कल आता है जिनसे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। थर्ड सर्कल में स्ट्रेंजर्स आते हैं। और ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इनके क्योंकि मुझे बहुत कुछ नया सिखाना है आपको। लिस्ट को हम बोल सकते हैं लेट्स इन्वाइट समवन टुडे, सी मोर पीपल सो मोर प्लान्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सी मोर पीपल सो मोर प्लान्स। और अथॉरिटी देखिए किसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, किसमें पैसा खर्च करने की क्षमता है,
जूम मीटिंग में बुला रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ को साथ बुलाइए, अगर आपको लगता है वाइफ डिसीजन मेकर है, बच्चा है तो बच्चे को बोलिए पापा के साथ जूम मीटिंग में आइए। मेमोरी जॉगर्स, जैसे अगर हम देखें प्रेस्टीज का ऐड आता था, क्या ऐड था प्रेस्टीज का, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर है, पैसा किसने देना है, पति ने पैसे देना है। तो प्रेस्टीज ने इतना बढ़िया ऐड बनाया कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, क्योंकि प्रेस्टीज से इनकार पति कैसे इनकार कर सकता है, मतलब उसको ये थोड़ी का, उसकी वाइफ बोली अच्छा तुम तो मुझे प्यार नहीं करते। तो डिसीजन मेकर को कैसे इन्वॉल्व करें ये समझना होता है। मेमोरी जॉगर्स में एल्बम होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, आगे भी कुछ चीजें हम शेयर करेंगे आपसे। रेफरल, ये कमाल का तरीका है, इंटरनेट से लोग निकाल सकते हैं, अजनबी लोग। खेल का मतलब होता है हार्ड वर्किंग एम्बिशियस इंटेलिजेंट लुकिंग फॉर ऑप्शन। 100 लोगों की लिस्ट है, आपने टिक माना शुरू किया, ये हार्ड वर्किंग है, ये हार्ड वर्किंग है, ये हार्ड वर्किंग है, ये इंटेलिजेंट है, ये एम्बिशियस है, ये अवसर की तलाश में भी है। जिस पे चारों बार टिक आया उसको आप पहले मिलिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। मेमोरी जॉगर्स में जैसे आप देख रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली, किसी को मत छोड़िए, क्योंकि आपके यहाँ एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। VLCC जैसी कंपनी, इतने बढ़िया प्रोडक्ट और इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया प्लान। दो जू मीटिंग, आप जिनको ऑर्गेनाइजेशन मिले थे, क्लब्स मिले थे, लोग जो डिसीजन मेकर है, ये के सब मेमोरी जॉगर है। जैसे आप अच्छा वो डिसीजन मेकर कौन कौन है, अच्छा वो गुप्ता जी वो बहुत डिसीजन मेकर है, जिनके साथ आप पास्ट में एसोसिएटेड थे, स्कूलमेट्स, फॉर्मर कोवर्कर, पास्ट जॉब्स, क्लोजेस्ट, जिनसे अभी आप मिले हैं उनके क्लोजेस्ट दोस्त कौन हैं, है ना, जिनके साथ बिजनेस करते हैं, डॉक्टर्स, ड्राई क्लीनर, ब्यूटिशियंस। ब्यूटिशियंस आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ब्यूटिशियन है, नेचुरोपैथ जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होते हैं हमारे बिजनेस में। और लोग जिनको जानते हैं जो सेल्स में हैं, बिजनेस में, इंश्योरेंस में हैं, यस, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहाँ पर संगीता भंडारी मैम एक शेयर कर रही हैं कि नाइट में लिस्ट प्रिपेयर करें नेक्स्ट डे कॉलिंग के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलिंग स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैम, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। और देखिए लिस्ट ऐसे कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जानते हैं अकाउंटिंग में किसको जानते हैं, एक्टिंग में किसको जानते हैं, एडवर्टाइजिंग में किसको जानते हैं, एरोबिक्स में किसको जानते हैं, तो ऐसे मेमोरी जॉगर आप कर सकते हैं। बाइसिकल्स कौन बेचता है, किस कौन बॉन्ड बेचता है, कौन किताबें बेचता है, टी शर्ट्स कौन बेचता है, टेलर कौन है, सैलून्स वाला कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर सैलून वाले जो लोग हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, इस समय सैनिटाइजर आपके पास, तो मेडिकल स्टोर वाले कौन कौन हैं, जनरल स्टोर वाले कौन कौन लोग हैं, इन शहरों में किस को जानते हैं आप, अगरतला में, आगरा में, अहमदाबाद में, अहमदनगर में, आइजोल में, बीकानेर में, देहरादून में, गैंगटॉक में, कोची में, मथुरा में, रांची में, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यस, देखिए वार्म मार्केट पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एड्रेस बुक, बिजनेस कार्ड्स, वेडिंग कार्ड लिस्ट, नेबरहुड लिस्ट, कॉलेज फ्रेंड्स, कोवर्कर, ओल्ड कोवर्कर, टीचर्स, तो ये क्या है आपकी वार्म मार्केट है, यहाँ से आपको रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। तो वार्म मार्केट क्या होता है, लगभग डायमंड जैसी है, तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है। आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ब्रदर, आंट्स, नीज, मेरा अकाउंटेंट कौन है, मेरा एसोसिएशन मेंबर कौन है, मेरा हाउसकीपर कौन है, मेंटेनेंस पर्सन कौन है, किसने मुझे अप्लायंसेस बेचे थे, किसने मुझे बोट बेची थी, किसने मुझे बिजनेस कार्ड बेचे थे, किसने मुझे वैक्यूम क्लीनर बेचा था, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये इतने सारे सवाल आपसे पूछेंगे, आप 1000 लोगों की लिस्ट आपकी बन जाएगी। यस, ये 5:30 बजे की जो जूम मीटिंग है, ये बहुत मेहनत रही है कुछ लोगों की, कुछ हमारे बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर कैसे भी करके ये मीटिंग करनी करनी, तो हमने कोशिश की है कि हम एक जैसे कल हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे, उसके अगले दिन हम इनविटेशन मास्टरी या प्रेजेंटेशन मास्टरी करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो रेफरल, देखिए जब आप रेफरल लेते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर से, सफल लोगों से, अपनी डाउनलाइन से, ये बहुत काम करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरा मैक्सिमम टाइम खेलने में और पढ़ने में बीतता था, तो मेरे पास लोग नहीं थे, मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, जो सक्सेसफुल लोग थे
उनसे क्या किया, उनसे बात करना शुरू किया, उनसे बात की, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने देखा कि जो हमारे गांव के जो प्रधान थे, है ना, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे जो कुछ सक्सेसफुल लोग थे, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बात की कि भाई बताओ कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा मुझे कुछ खास चीज़ शेयर करनी है आपसे। एक सफल आदमी से जब आप मिलते हैं तो वो आपको समय देता है, एक असफल लाइफ आदमी के पास समय ही नहीं होता आपके लिए, है ना। वो कहता है कि बस अच्छा मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सफल आदमी कहता है अच्छा परसों 4 बजे आना। तो मैंने उनसे मिला, उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा नहीं मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं आपके, कुछ रेफरेंस दो। तो उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए। तो ऐसे करके मैंने काम किया। जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, जैसे किसी को जॉइंट पेन के लिए ऑर्थोइड लिया, उसको फायदा हुआ, तो आपने उनसे नंबर लिए, उन्होंने आपको नंबर दिया। ऐसा मैंने बहुत किया। मेरी डाउनलाइन, आपके डाउनलाइंस के रेफरल हो सकते हैं, तो रेफरल बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो टेक्निक है कैनोपी की, ये अभी काम नहीं कर सकती आपकी, बट कर भी सकती है। अब जैसे अभी जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही अब मार्केट धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कैनोपी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि लोग इस समय काम की तलाश में होंगे। अगर आप प्रेजेंस रहे, आपकी प्रेजेंस रही, बहुत सारे लोग आपके जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक यहाँ पे लोग करते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट के बाहर, सोसाइटी में आप कैनोपी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीकों पे हमने बात की, और ये तरीके बहुत ही बढ़िया हैं, और ये हमेशा काम करते हैं। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन आप देख सकते हैं, जैसे अभी आप देख वेलनेस प्रोडक्ट डालेंगे तो बहुत सारे, जैसे हर्बालाइफ का नाम आ गया, आर्ट लाइफ का नाम आ गया, बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स में क्या बहुत सारी लोगों के नाम आ जाएंगे, नंबर्स भी उसमें मिल जाएंगे। ये तरीके हो सकते हैं। केमिस्ट शॉप नियर मी, मेरे नज़दीक में केमिस्ट शॉप कौन सी है, केमिस्ट शॉप पे क्लिक किया तो उनका नंबर वगैरह सब आ गया यहाँ पे। यस, तो इस तरीके से आप उनको नंबर आ गया, ये भी आप कर सकते हैं। यस, तो आज क्या है, देखो 1001 तरीके हैं लिस्ट बनाने की। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे उस समय, घर वालों ने फ़ोन में लॉक लगा दिया था, जो घर का फ़ोन था, कि भाई तुम बहुत फ़ोन करते हो, घर बिजली का फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। और उस समय क्या होता था, मुझे याद है एक बार कि मुझे घर पे ही फ़ोन आता था, मुझे घर पे फ़ोन आया, मैंने घर पे फ़ोन किससे मिला, उसको फ़ोन नंबर दिया, फिर उससे मीटिंग सेट की, फिर मैं ऋषिकेश चला गया जो हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर जगह है। और क्योंकि उस ज़माने में नहीं होते थे मोबाइल फ़ोन, तो मैं उसका वेट करता रह गया। फिर जब मैं वापस आया तो रात को फिर उसका कॉल आया कि सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, 20-25 मिनट लेट हो गया था, तो तब तक मैं जा चुका था। तो आज के समय में ये बहुत आसान है। इनफैक्ट जूम मीटिंग एक बहुत ही कमाल का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और कल की जो मीटिंग है 5:30 बजे की, उसमें आप अपने मैक्सिमम गेस्ट को लेके आएँ, क्योंकि कल जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है वो बहुत ही खास होने वाली है। तो जैसे इंडिया मार्ट है, आप इसमें डालेंगे इंश्योरेंस एजेंट तो आपको नंबर आ जाएंगे। तो इंडिया मार्ट पे आप जा सकते हैं, जस्ट डायल में आप जा सकते हैं, जस्ट डायल में बहुत सारे लोगों का की इन्फॉर्मेशन है। जस्ट डायल में आप जो भी डालेंगे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आप सर्च करेंगे। यस, आई आर डी ए पोर्टल में भी जा सकते हैं आप। और यहाँ पे जैसे आप जाएंगे एजेंट लोकेटर, एक जगह है यहाँ पे एजेंट लोकेटर में जाएंगे आप, एजेंट लोकेटर में क्लिक करते ही ये आपसे पूछता है, क्लिक करेंगे आप तो आप डालिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी, कौन सा स्टेट, कौन सा शहर, पिन कोड नंबर किया है, तो आपकी लिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बट ऐसे तरीके देखिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। यूट्यूब पे जाइए, आप किसी कंपनी का नाम डालिए, उस पर लोग आ जाएंगे। वीडियो पे जाइए, वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स होंगे, 586 लोगों ने अगर देखा है तो कितने लोगों के कमेंट्स होंगे, कितने लोगों के नंबर्स होंगे, अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं। यस, फेसबुक से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें फेसबुक को लेके, फेसबुक में डालिए ऋषिकेश, तो ऋषिकेश के ग्रुप्स आ गए, ऋषिकेश के ग्रुप में 10,000 लोग हैं, ऋषिकेश फोटोग्राफी क्लब में 16,000 लोग हैं। यस, तो नज़दीक क्लिक करेंगे तो उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। जैसे मैं हूँ ऋषिकेश में, तो ऑलरेडी मेरे ग्रुप में मेरी फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। MLM डालेंगे तो MLM के ऑल क्लिक करेंगे, पीपल पे क्लिक करेंगे, MLM पीपल आ जाएंगे। MLM के लोगों को फ्रेंडशिप भेजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। देखिए MLM में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोशल कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है। ऐसे लोगों से आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, जब मैंने पहला फेसबुक अकाउंट खोला तो मुझे 1,000 लोग फ्रेंड बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को आज डिलीट करना पड़ता है। मेरे एक अकाउंट में 5,000 लोग हैं, दूसरे में 5,000 हैं,
फिर तीसरा अकाउंट खोला मैंने, उसमें भी 5,000 हो गए, फिर चौथा खोला उसमें भी 5,000 हो गए, फिर पांचवा खोला उसमें भी 2,000 है, फिर मैंने उसको पेज पे, फिर मैंने पेज बनाया। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक फेसबुक प्रोफाइल पेज जरूर बनाएं, एक फेसबुक आईडी और उसका एक प्रोफाइल पेज में क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं होती, तो आप बस दो ही चीज, क्योंकि शुरुआत में क्या था, इतना आइडिया नहीं था, तो मैं बहुत सारी आइडिया बनाता चला गया अपनी। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप एक पेज बनाएं, उसी पेज पे काम करते रहें, और उसी पेज पे आप किसी भी जो VLCC माय 1 मिलियन स्माइल पेज है वहाँ की जो वीडियोज हैं उसकी वॉच पार्टी करते रहें अपने पेज पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप आप बना सकते हैं अपना एक, तो ये एक अच्छा हो सकता है। और इतने सारे लोग हैं, मतलब 67,000 लोग पीपल है इस ग्रुप में, और तो ये सारे के सारे लोग जो ओपन हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास लोगों की रिक्वेस्ट आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, जो MLM के लोग हैं, अगर आप उनको ऐड कर रहे हैं, उनको दोस्त बना रहे हैं, तो आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि MLM के लोगों के एक बार संपर्क में आ गया तो हर एक आदमी आपको डिस्करेज करना चाहेगा, अपनी कंपनी बताना चाहेगा, और वो अपनी चीज़ें आपको बेचना चाहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि मतलब कनेक्शन बढ़ाइए, नंबर लाइए, लेकिन अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करते रहिए। यस, अपनी एक्टिव प्लान से बात कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि आज का जो दौर है, आज के दौर में क्या होता है कि हर एक आदमी के अपने इंटरेस्ट है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से परिभाषाएं बदलते हैं, है ना। जैसे मैं एक लीडर, बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूं, जब वो एक अच्छी कंपनी में होते हैं तो कहते हैं प्रोफाइल ही सब कुछ है, जब वो एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जिसकी प्रोफाइल नहीं होती तो कहते हैं प्रोफाइल कुछ नहीं होती, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट जो सबसे कामयाब लोग हैं आपकी आपकी कंपनी के, उनके संपर्क में रहिए, वो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में होने बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट आप सभी लोग मेरी लाइन ऑफ, मैं आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता हूँ, तो आप अगर आपको कोई भी चैलेंजेस हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप मुझे डायरेक्टली भी, मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप में अवेलेबल हूँ, फेसबुक पेज पर अवेलेबल हूँ, फेसबुक आईडी पर अवेलेबल हूँ, तो मैं भी आपके साथ टच में हूँ, और मिलके हम लोग अच्छा करेंगे। अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं, देखिए हमारे कुछ लीडर्स थे जिनका एक, जो चाहते थे कि हम 5.5 से 6.5 काम की बातें कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें, तो अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट के बाद आपके जो सवाल है मैं बोलूँगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको ना कहा हो, जिन्होंने आपकी कॉल्स का मैसेज जवाब ना दिया हो, तो दोबारा उनसे बात कीजिए कि देखिए हैंड वॉश अभी जैसे अभी आने वाला है, हैंड सैनिटाइजर भी बात कीजिए, विमेन हेल्थ पे भी ऑफर है उसकी बात कीजिए कि भाई विमेन हेल्थ जैसे प्रोडक्ट पे अभी ऑफर है, गोल्ड फेशियल किट पे भी ऑफर है, यस ग्लैसमिक केयर पे ऑफर है, डे क्रीम पे ऑफर है, नए नए ऑफर के साथ, नए नए लॉन्चेस के साथ आप लोगों से बात करिए, लोगों को जोड़े रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे एक फॉर्मूला है, एक जैसे मैंने एक सीट बनाई हुई है यहाँ पे, सीरियल नंबर, नाम आपका, प्रोस्पेक्ट का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी सिटी में रहता है, आपने उनसे कैसी बात करी और क्या रिमार्क रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा प्रोसेस से आपको काम करना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि पहली बार जब आप लोगों से बात करते हैं, तो पहली बार कई बार फ़ोन में बात करना मुश्किल होता है, तो स्टार्टिंग में आप फेसबुक मैसेंजर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, 1 by 1 आपने लिखा हाई तो उन्होंने लिखा हेलो, है ना। अगर आप हाई नहीं लिखेंगे और आपने एकदम से फेसबुक एकदम से कुछ डाल दिया VLCC का, तो हो सकता है कि वो एकदम से आपको ब्लॉक कर दे, और जहाँ आपको 8-10 लोगों ने ब्लॉक किया, आपका नंबर जो है वो बंद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाई से स्टार्ट करें, और ऐसे करके स्टार्ट करें, और थोड़ा सा आप जब बात करेंगे मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सामने वाला जो आदमी, सामने वाला जो व्यक्ति है वो रिलायबल है, उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो फालतू की बातें नहीं कर रहा आपसे, तो आप उसको फिर अपना नंबर भी दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप से पहले आप फेसबुक मैसेंजर पे बात कर सकते हैं, और SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा, कोल्ड कॉल के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बात कैसे करें, जैसे मैसेज बना सकते हैं आप, क्या आप बेहतर सेहत चाहते हैं, क्या आप अच्छी इनकम चाहते हैं, क्या आप, या अभी जैसे आप लिख सकते हैं कि डू यू वॉन्ट एन एक्स्ट्रा इनकम इन लॉकडाउन, डू यू आर यू इंटरेस्टेड इन रिसेशन प्रूफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाई बिगेस्ट इंडियन मल्टीनेशनल बिगेस्ट वेलनेस कंपनी, और उसके बाद तो ये ऐसे करके आप भेज सकते हैं, SMS मेल कर सकते हैं, हेलो XYZ
और ऐसा मेल भी कर सकते हैं। कॉलिंग का मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे खास बात क्या, जब आप कॉल कर रहे हैं किसी को, हाय आई एम फ्रॉम वीएलसी, मैं वीएलसी के साथ हूँ एंड और हम एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जो रिसेशन प्रूफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम भी आप काम कर सकते हैं और हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप मुझे एक मिनट दे पाए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें करनी है। Hi, I am from VLC Wealth Science. We are working on the mission of spread health, wealth and happiness. Hi, मैं महावीर कैंपरा बोल रहा हूँ VLC से। हम health, wealth और happiness के मिशन पे काम कर रहे हैं और क्या मुझे एक मिनट अगर दे पाए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ बताइए। नहीं नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो एक काम करते हैं आप कब फ्री होंगे, 2 बजे? ठीक है 2 बजे बात करते हैं। नो योर कस्टमर, तो जैसे आपने फोन किया हेलो, हाँ तो उन्होंने कहा यस, तो हाँ अरोड़ा जी बोलिए, पंकज अरोड़ा जी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ पहले, नो योर कस्टमर। हाँ बताइए, मैं महावीर जी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखो अरोड़ा जी मैं बेसिकली फेसबुक पे मैंने आपका नंबर सर्च किया था। एक्चुअली मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो कभी ना कभी डायरेक्ट सेलिंग में रहे हैं, तो मुझे आपको वहाँ पे आपका नंबर मिला था। अरे सर वो तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं तो अभी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था कपड़ों का, और अभी तो आप देख ही रहे हो पूरे देश में की हालत क्या है इस समय। मैं घर में बैठा हूँ पिछले 50-60 या 30-40 दिनों से। नो योर कस्टमर, आपका कस्टमर क्या है उनको जानिए, ठीक है ओके। अच्छा तो जैसे आपने अच्छा बोला, और आप अच्छा तो क्या है सर, सब स्थिति बहुत खराब है, ये है वो है ऐसा वैसा, उनकी जरूरत को जानिए, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे? यस तो सर जैसे मैंने आपसे बताया कि हम लोग हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पे काम कर रहे हैं, आप इसमें से कौन से पार्ट में इंटरेस्टेड होंगे? अभी तो दुकानें बंद है, अभी तो भाई हेल्थ तो बात की बात है, फिलहाल तो ये है कि घर कैसे चले, बच्चों की फीस कैसे दी जाए, जो लोन लिया है वो कैसे पूरा। यस तो अरोड़ा जी एक्चुअली हमारे अपलाइन में एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है मिस्टर सोएंडसो, और मैं उनका टाइम लेके एक बार अभी कॉन्फ्रेंस कॉल कराता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि कॉन्फ्रेंस कॉल करा दें उनकी, उनको कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के बाद उनको कुछ डिटेल्स भेज दें व्हाट्सएप में, थोड़ा सा उनको बोलें कि सर आप उसको स्टडी कर लें, वो नहीं समझ पा रहे तो फिर उनको जूम मीटिंग में ले आए और उनको क्लोज कर लें। यस तो ये ऐसे काम ऐसे ही होगा। जूम मीटिंग करा लीजिए 1-on-1, आप कहेंगे जूम मीटिंग में मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करा लीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करा दीजिए, वीडियो कॉलिंग में आप कंफर्टेबल नहीं है व्हाट्सएप में डिटेल भेज दीजिए, टेलीफोनिकली बात कर लीजिए। यस लेकिन पहली जो कॉल्स हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अपनी अपलाइन के साथ कीजिए और उनको जूम मीटिंग में इन्वाइट कीजिए। फेसबुक लाइव में आपको आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जूम मीटिंग में तो क्या होता है कि आपको मालूम होता है कौन कौन आ रहा है, कैसे उसका फॉलोअप करना होता है। तो YouTube प्रीमियर और Facebook लाइव में लोग आते हैं, और अच्छी बात क्या होती है YouTube प्रीमियर और Facebook लाइव में लोग आते हैं और किसी को मालूम नहीं चलता और वो देख भी लेते हैं, बट जूम मीटिंग एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप उसमें कीजिए। जूम मीटिंग का इंतजार मत कीजिए, कोशिश कीजिए उससे पहले ही आप क्लोज कर पाए। पर कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए, आप कैटलॉग भेजिए, आप हमने यूट्यूब में डाला हुआ है, बोर्ड प्लान डाला हुआ है, उसका लिंक भेज दीजिए और कर सकते हैं। मैं आपके सवाल भी लूंगा अभी, तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे। देखिए थोड़ा सा लोगों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, है ना, एक होता है ना कि आदमी ने बंदूक बिल्कुल लोड की हुई है, रिवॉल्वर स्टेन गन और ये नहीं करना, आपको थोड़ा सुनना है आपने सामने वाले को कि सामने वाला चाहता क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। और देखिए कभी भी किसी के प्रोफेशन का आपको मजाक नहीं उड़ाना है, हर प्रोफेशन में देखिए बाटा आज आप जूतों का बिजनेस करके कहाँ पहुंच गए हैं। यस एक आम मोची जो है जो विराट कोहली के लिए जूते बनाता हुआ, ब्रैटली के लिए जूते बनाता हुआ, हर प्रोफेशन को आपको रिस्पेक्ट करना है। हाँ लेकिन आपको आपका जो बिजनेस है वो कैसे लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि अभी जो समय है देखिए आने वाले कुछ 6 महीने 9 महीने और साल भर लोग उतने सोशली उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे मीटिंग्स में जाने में, भीड़ भाड़ में, है ना, तो ऑनलाइन तरीके बहुत अच्छे हो सकते हैं। सीखिए, हम सिखाएंगे आपको जूम मीटिंग कैसे करें, हम सिखाएंगे आपको, आप जूम मीटिंग सीखिए,
स्क्रीन कैसे शेयर करना हम सिखाएंगे आपको, ट्रेनिंग कैसे करनी हम सिखाएंगे आपको। तो फिलहाल जैसे हम आपको कल हमने ट्रेनिंग जो की थी, हमने आपको कल हमने व्हाट्सएप किया था आपको, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की पीपीटी वो हमने व्हाट्सएप की थी आपको। और इसके अलावा अभी हम आपको जो हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो भी हम आपको भेज देते हैं, वेलकम टू वीएलसी वेल साइंस भी हम आपको भेज देते हैं। तो तीन चीज़ें हम आपको डायरेक्टली भेज देते हैं, तो आप उसको देखिए। और ट्रेनिंग्स का फिलहाल हम चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि मैं करूँगी, हमारी जो कोर टीम है वही करे फिलहाल। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। यस, इन्विटेशन के ऊपर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और तब तक के लिए आप इन्विटेशन मास्टरी जो हमारा वीडियो है जो यूट्यूब में है उस पर आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ कॉलिंग्स आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर ट्राई करते हैं अभी हमारे साथ अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे गोपाल जी हमारे साथ हैं, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। गोपाल रावल जी को अभी कॉल करना है इस समय, राजीव सिन्हा जी को। राजीव सिन्हा जी अगर अवेलेबल होते हैं, राजीव जी हेलो, राजीव जी आप अवेलेबल हैं? राजीव जी आप अवेलेबल हैं अभी? जी के पास शायद उनकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो गोपाल जी आप अवेलेबल हैं? जी सर। ओके, तो गोपाल जी जो लीडर्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, तो राजेंद्र जी को हम देख लेते हैं, नरेंद्र ठाकुर जी को दे लेते हैं। नरेंद्र ठाकुर जी आप अवेलेबल हैं? सुशील असवाल जी को देख लेते हैं। सुशील असवाल जी आप अवेलेबल हैं? जी सर जी। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जैसे गोपाल जी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज बहुत, और आप 10 से बात करेंगे, 10 से बात करेंगे। सुशील जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिम से आए थे। कौन मैं? नहीं तो सर। अच्छा ठीक है सर। गोपाल रावल जी ने आपका जो नंबर है, गोपाल रावल जी ने आपको डाला है आईआरडी की लिस्ट से, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर और जी सर, और गोपाल रावल जी को आपको इनवाइट करना है एक अपलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग के लिए, इनको आपको तैयार करना है और फिर उसका गोपाल जी का नंबर मैंने आईआरडी से निकाला है। नहीं, गोपाल जी ने निकाला है आपका नंबर आईआरडी से। अरे कॉल किसको कर रहे हैं? गोपाल जी को मैंने कॉल करनी, गोपाल जी मुझे कॉल कर रहे हैं? गोपाल जी आपको कॉल करेंगे। गोपाल जी ठीक है सर, ठीक है कॉल कीजिए। ये आपके लिए अजनबी है और आपने इनका नंबर एलआईसी का काम करते हैं और आपको इनको कन्विंस करना है, एक ब्रीफ आइडिया देना है वीएलसी के बारे में, और आपने इनकी एक मीटिंग अपनी अप्लाइंस से, यस कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी आप सुशील असवाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर जी, बताइए सर। नमस्कार, गोपाल रावल बात कर रहा हूँ वीएलसीसी से। कुछ खास बात आपसे कर रहा था अभी। नमस्कार सर जी, मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैंने आपका नंबर बेसिकली एक वेबसाइट से लिया था और उसमें उन्हीं लोगों के नंबर थे जो लोग सक्सेसफुल हैं इंश्योरेंस, तो आपका नंबर मुझे मिला था सर उसमें। ना कुछ खास बात आपसे करना चाह रहा था अभी, कंफर्टेबल है बात करने में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है सर। सुशील जी मैं बेसिकली वीएलसी से हूँ और अभी क्या है कि जैसे मैं देख रहा था कि इस समय और इंश्योरेंस अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है जी, तो
अभी सर क्या क्या मजे कर रहे हैं इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में सर जैसे आपको आजकल पता ही है कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ भाग रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं इस समय। तो सर इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया था कि हम लोग की बेसिकली हेल्थ और एक अपॉर्चुनिटी में जैसे आपकी प्रोफाइल सर्च कर रहा था जी। आपको इंश्योरेंस कराना है सर? हेलो हेलो बिल्कुल सर, इंश्योरेंस तो खैर इंश्योरेंस तो है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंश्योरेंस कराने के लिए पूछते हैं। इस समय सुशील जी मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ खास प्रोफाइल को सर्च कर रहे थे, तो आपका नंबर मैंने खास बेसिकली मैं आपकी बात हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे कराना चाह रहा था। जी गोपाल जी, आपके सीनियर क्या करते हैं सर? हमारे सीनियर बेसिकली सर वो इंश्योरेंस प्रोफाइल से ही हैं, और समय क्या है कि वो एशिया के नंबर वन ब्रांड के साथ टॉप अचीवर हैं। मैं ये चाह रहा सर ना कि आप आपकी भी उनसे बात करा पाऊं और मैं उनका समय इसके लिए ले लेता हूं। इससे पहले सर मैं ये चाह रहा था कि आपको मैं कुछ पीपीटी इसके लिए मेल फॉरवर्ड कर देता हूँ जो आप देख सकते हैं। तो सर आधे घंटे का समय ठीक रहेगा? आधे घंटे बाद बात करा सकता हूँ आपकी उनसे या एक घंटे बाद कराऊं? नहीं आजकल तो सर मैं फ्री हूँ, आप आधे घंटे बाद भी कॉल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है सर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट हमारी पीपीटी है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, एक बार आप उसे स्टडी भी कर लीजिए। तो आधे घंटे के बाद का मैं उनसे समय ले लेता हूँ, तो मैं आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल करा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी बिल्कुल, आप मुझे भेज दीजिए, मैं थोड़ा सा उसके गो थ्रू कर लूंगा एक बार ना। राइट सर, राइट राइट। सुशील जी आपका सिनेरियो चेंज हो गया है, अब आपको गोपाल जी को कॉल करना है जूम मीटिंग के लिए। गोपाल जी को आपने कुछ पीपीटी भेजी है जो उन्होंने देखी है ना, तो आपने अब आपने क्या करना है, इनको इनवाइट करना है। ठीक है सर। हेलो हेलो, हाँ गोपाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। और गोपाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। सर क्या ये आपसे बात करने का उचित समय है कि दो मिनट तक आपके पास समय है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर, एक्चुअली आपके साथ मेरी पहली बात हुई थी तो मैंने कुछ पीपीटी वगैरह आपको सेंड की थी, शायद आपने देख ली सर वो? ओके, वो पीपीटी मैं पूरी तो नहीं देख पाया था सर ना। जी 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 जी, कुछ एक पीपीटी और शायद कुछ वीडियो भी भेजी थी आपने। जी 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 सर जी हाँ, तो मैं प्रोडक्ट कैटलॉग थोड़ा देख पाया था। अच्छा 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 अच्छा, अच्छे लगे मुझे प्रोडक्ट आपके। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली आपको इसलिए खास इसलिए कॉल किया क्योंकि जो पीपीटी वगैरह मैंने भेजी थी आपको, और जैसे आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन है इस समय बहुत ही डेंजर है ना, बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और सभी लोग जो बात कर रहे हैं वो वेलनेस की बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो सर आज एक बहुत ही खास सेशन है जो एक हमारे बहुत ही बढ़िया जो वेलनेस एक्सपर्ट है उनके द्वारा लिया जाएगा, और ठीक 5:30 बजे सर ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ सर इस सेशन में आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठे ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिले कि हम अगर आज की डेट में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बिल्डअप करें, और जो एशिया की सबसे बड़ी लीडिंग वेलनेस ब्रांड वीएलसीसी के साथ में हम अपने आप को और अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं सर ना। तो ठीक 5:30 बजे सर ये मीटिंग हमारी है और जो हमारे एक्सपर्ट है वो इसको लेंगे सर ना। तो मैं एक्चुअली क्योंकि उसमें सर एक्चुअली जी सर हेल्थ के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं सर, और उसमें सर क्या है एक्चुअली क्योंकि आपको पता है ये जूम मीटिंग है और इसमें मैक्सिमम 100 लोग ही आ सकते हैं, और जो इस समय इनविटेशन है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया से है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी उसको मैं आपको आईडी और पासवर्ड भेज दूंगा तो जल्दी से आप लॉगिन करके उसमें एंटर कर लेगा ताकि आपको जो पूरी मीटिंग है पूरा सेशन जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ जाए सर ना। कितने घंटे का होगा सर ये? मैक्सिमम 45 मिनट का सेशन है सर ये ना। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक 5:30 बजे सर मैं आपको एक व्हाट्सएप रिमाइंडर भेज दूंगा, आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दूंगा सर ना, और मैं चाहता हूँ कि पूरे परिवार के साथ आप इसको देखें सर ना। तो आपको जो मैंने पीपीटी वगैरह जो भेजी वो भी क्लियर हो जाएंगे सर आपको इसमें ना। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू गोपाल जी। 5:30 बजे बोला सर मैंने? सुशील जी एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और 5:30 बजे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो
देखिए सर, एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके घर में मेहमान आए समय लॉकडाउन में, वैसे मेहमान तो सर मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी चलिए अगर आपके घर में बाय द वे गेस्ट आ चुके हैं सर, लेकिन ये जो सेशन है सर, जो सेशन है ये हेल्थ के ऊपर में है, और आप जानते हैं कि आज की डेट में हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है सर ना, और जो 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 न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट जिनको हम जो ये हेल्थ सेशन लेने वाले हैं उनको बहुत ही गहरा नॉलेज है सर ना इस चीज के बारे में, तो वो बहुत ही बढ़िया, ये आपके लिए भी आपके परिवार के लिए और जो आपके गेस्ट आ रखे हैं उनको भी आप इसमें इनवाइट कीजिए सर, और उनको भी ये जो जूम मीटिंग है उसमें साथ में लेकर बिठाइए सर, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा सर, क्योंकि हर हर व्यक्ति जो है आज की डेट में जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी सर ढूंढ रहा है। सर ये जूम मीटिंग क्या होती है? सर वो सारी चीजें मैं आपको लिंक, मैंने जैसे आपको पीपीटी भेजी है, मैं जूम मीटिंग का लिंक आपको भेज दूंगा। मैं मीटिंग में कैसे आ सकता हूँ? मैं सर आपको एक तरीका बता दूंगा, जो जूम ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए ना। अच्छा, जैसे प्ले स्टोर, आप एंड्रॉइड फोन तो यूज करते हैं सर ना? जी बिल्कुल, एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर से आपने जूम को, जूम ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है ना, और जो जूम ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो मैं उसके लिए लिंक भेज दूंगा आपको, उसमें ज्वाइन मीटिंग का जो ऑप्शन आता है उसमें अगर आप वो आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आप उस मीटिंग में इजीली एंटर हो जाएंगे सर। सुशील जी, ये हो सकता है कि मैं ये मीटिंग आज ना करके कल करूं? देखिए सर, क्या है कि हर दिन की मीटिंग जो है उसका अलग अलग चीजें हैं उसमें, आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने खास करके प्रोडक्ट की पीपीटी वगैरह और वीडियोस वगैरह आपको इसीलिए भेजा था क्योंकि आपने मुझसे क्वारीज की थी कि आज की डेट में क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करे, तो हमारे सेशन सर अलग अलग होते हैं, और आज का जो खास सेशन है सर ये खास करके प्रोडक्ट के ऊपर ही है और इम्यूनिटी बिल्ड के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर ही है, तो हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिन तक बिल्कुल भी मौका ना मिले कि आप दोबारा इस सेशन का फायदा उठा पाए सर ना, तो इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो एक्सपर्ट आ रहे हैं उनका नंबर तो होगा आपके पास? बिल्कुल सर, उनका नंबर मेरे पास बिल्कुल है, लेकिन वो नहीं हुआ कि आप मेरी उनसे डायरेक्टली बात करा पाए। बिल्कुल मैं आप बिल्कुल सर मैं आपकी उनसे बात भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे ये चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम मिल पाता है, दिन में वो बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं, और स्पेशली इसलिए हम लोगों ने जूम मीटिंग रखी ताकि मैक्सिमम लोगों को एक साथ इन्फॉर्म किया जाए, तो मैं जब आप ये समझ जाएंगे तो आप उनसे इंडिविजुअली भी, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं सर उनसे ना, तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ सर, देखिए आप खुद भी आइए, अपनी फैमिली को भी लेकर आइए, और आपके जो, जैसे आपने कहा, आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी इसमें बिठाइए, ताकि सब जितने भी लोग वहां पर आपके साथ में सर, वो सारे के सारे लोग जो है इसका जो मीटिंग का जो फायदा है, और सबसे बड़ी बात जो सिनेरियो आजकल क्रिएट हो रहा है सर, इससे कैसे अपने आपको बचाया जाए, अपने परिवार को बचाया जाए, इस बारे में आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा सर। चलो सुशील जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कॉल कर आपको बताता हूँ, मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ठीक है सर? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सर मैं एक आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जूम मीटिंग में जो है सर वो लिमिटेड चीज है, क्योंकि केवल उसमें 100 ही लोग इंटर कर पाते हैं, और मुझे एक्चुअली आपका कंफर्मेशन इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम लोग ज्यादा लोगों को उसमें बुला नहीं पाएंगे, और इसीलिए केवल 100 लोगों को ही उसमें इंटर करने का मौका मिलेगा सर, है ना, तो मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप अगर आप आएंगे, और अगर आपकी आईडी, मैं आपको जो लिंक भेजूंगा वो लिंक आपको क्लिक करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे पहले बताना पड़ता है सर को कि सर मेरी टीम से इतने लोग इस मीटिंग में बैठेंगे, तो मैं आपका नाम भी सर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ सर ना। चलो सुशील जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा आपसे कि आप मुझे एक बार पहले बता दें कि जूम मीटिंग में आना कैसे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको लिंक दे दूं सर। तो सुशील जी ने एक बहुत अच्छी कॉलिंग की, सुशील जी और गोपाल जी ने, और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सुशील जी ने किया कि परमिशन इन्होंने ली, है ना। देखिए जब भी हम किसी कॉल करते हैं तो सामने वाले का नाम करना बहुत जरूरी है, जैसे सवाल जी बोल रहे हैं नंबर वन, नंबर टू सुशील जी मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या ये सही समय है? यस। और जो इन्विटेशन मास्टरी ट्रेनिंग है उसमें हमने बहुत सारी कॉल्स ऐसी की हुई है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक कॉल हम लोग और कर लेते हैं, और इस कॉल को हम लोग हमारे साथ करेंगी सरिता जी, अभी हमारे साथ हैं सरिता जी, हमारे साथ कॉल करेंगी, और ये सरिता जी संगीता जी को इनवाइट करेंगी। संगीता जी एक ब्यूटिशियन, और सरिता जी इनको इनवाइट, संगीता जी आप हमारे साथ हैं अभी? सुशील जी आपकी आपकी तरफ से थोड़ा सा साउंड काफी ज्यादा आ रहा है, ईयरफोन का साउंड हो सकता है। तो संगीता जी अभी सरिता जी आप हमारे साथ हैं अभी?
सरिता जी हेलो। हाँ जी हेलो। चलो मैम आप हमारे साथ है ना अभी? जी चलो बढ़िया है। तो मैम हमारे साथ हैं अभी और आपको कॉल करना है इस समय। सर पहले मैं कुछ शेयर कर लूँ सर? एक्चुअली बीच में किसी का फोन आ गया था तो मैं बीच की मीटिंग सुन नहीं पाई, मुझे करना क्या है? आपको क्या करना है जी? इसमें आपको क्या करना है मैम? आपको ना कॉल करना है जी। और रजनी गुसाई जी हमारे साथ। रजनी गुसाई जी आपको मेरी साउंड आ रही है? रजनी गुसाई जी, रजनी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे इनके साथ भी। कोई भी फीमेल है यहाँ पे ऐसी जो कॉल्स के लिए अवेलेबल है भी, जो कॉल में बात कर पाए? रेज हैंड कर सकती हैं आप। तो कोई भी फीमेल हो जो अपने नाम से आई है इसमें, इस प्रोग्राम में, तो उनकी हम लोग बात करा पाएंगे। चलो हम संगीता जी अगर अवेलेबल हो पाती है, मीनाक्षी जी को हम देख लेते हैं। मीनाक्षी जी, चलो अरविंदर कौर मैम अभी अवेलेबल है तो अरविंदर कौर मैम, हेलो अरविंदर मैम, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अरविंदर मैम आपको कॉल करेंगी सरिता जी। जी सर। आप एक ब्यूटिशियन है। ओके सर। और सरिता जी आपको इनवाइट करेंगी एक फेसबुक लाइव के लिए, जिस फेसबुक लाइव में आज जो इनके अपलाइन है संगीता भंडारी जी, वो कुछ सेशन करना चाह रही हैं हेल्थ के ऊपर और ब्यूटी के ऊपर। तो बट आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके साथ चैलेंज क्या है कि आपका जो 9:30 बजे आपका डिनर का टाइम होता है ना? राइट सर। तो आपके थोड़ा मुश्किल है आना, बट सरिता मैम आपको बताएंगी कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है। और सरिता मैम को, सरिता मैम ने जो आपका नंबर लिया है वो सुनील शर्मा जी से लिया है, ठीक है? सुनील शर्मा जी से लिया है। आप ऑलरेडी एक दूसरी कंपनी में काम कर रही हैं, आप पीएलसी में ज्वाइन नहीं है, आप एक ब्यूटिशियन है। सरिता मैम जी, जी हाँ, आप अरविंदर जी को कॉल कीजिए। अरविंदर जी जलंधर से हैं, ठीक है? हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ जी कैसे हैं आप? बस ठीक। मैं हूँ इसकी जी, मैं सरिता राणा बोल रही हूँ टिहरी से, और मुझे आपका नंबर मिस्टर सुनील शर्मा जी ने दिया है। आप अरविंदर कौर जी बोल रही है ना? जी 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 मैम। चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मतलब फोन पे बात करके। सेम हियर। मैम कैसा चल रहा है आपका ब्यूटिशियन, कैसे चल रहा है? मैम अभी तो जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, सारे सैलून्स वगैरह सब बंद है। जी तो मैम यही है, इस समय तो और अच्छा टाइम है कि आप अगर कुछ ब्यूटी के अगर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स लेना चाहती हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना चाहती हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सेशन है आज। और हमारी अप्लाइंस हैं जो कि बहुत बड़ी अच्छी ब्यूटिशियन है और उन्होंने बहुत सारे सेशन किए हैं ब्यूटिशियन पे। ओके। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स वो देती हैं, तो आप आइए हमारे श्याम के प्रोग्राम में, एक जो लाइव प्रोग्राम है फेसबुक पे। मैम क्या टाइमिंग है इसकी? जी टाइमिंग्स क्या है आपके सेशन? मैम ये मैम ये 9:30 बजे से है। ओके ओके। और रिगार्डिंग विच कंपनी? घर में ही होते हैं सब तो। जी तो मैम क्योंकि ये सेशन काफी मतलब बहुत काफी ही बहुत महत्वपूर्ण है और मैम का समय भी हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से हमें उनका सेशन सुनने को मिलता है,
और इस समय जिस तरह से ये सारा लॉकडाउन से काफी कुछ प्रभावित हुआ है, तो उस दौरान आप अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को अपने और बढ़ाने के लिए आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा जी। और जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी उनके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि एक बार आप जब इन्हें ट्राई करेंगी अपने कस्टमर्स पे, तो आपके जो कस्टमर हैं वो आपके लिए और परमानेंटली हो जाएंगे और फेथफुल भी रहेंगे कि आप उन पे इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है मैम, टाइमिंग्स क्या बताया आपने? 9:30 मैम। ओके ओके मैम जी। तो मैम आप आइए जरूर और अपना एक कमेंट्स जरूर लिखिए, जब आप लाइव में वीडियो देखेंगी तो आप अपना नाम या हाय करके जरूर आप लिखिए। ओके 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 थैंक यू। ये कैप्चर है यहाँ पे और यहाँ पे एक 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 बहुत अच्छे से मैम ने हैंडल किया। और यहाँ पे मैम थोड़ा सा बोल सकती हैं कि सुनील शर्मा जी, देखिए जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते है ना, तो शुरू में हम लोग जैसे मैम ने बहुत अच्छा किया, सरिता जी ने, की फैमिली के बारे में पूछा, उनके काम के बारे में पूछा। और यहाँ पे मैम एक चीज और ऐड कर सकती हैं, वो है एक कॉम्प्लीमेंट दे सकती हैं मैम अरविंदर जी को, कि सुनील शर्मा जी बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, इनफैक्ट आप जो फेशियल करती हैं उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसा ही है मैम। तो एक कॉम्प्लीमेंट जब आप देते हैं, जैसे हम 5C बोलते हैं इन्विटेशन के, पहला सी होता है कन्वर्सेशन, आम बातचीत से आपने स्टार्ट किया। सेकेंड क्या होता है, जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं सामने वाले की सच्ची तारीफ करते हैं, तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होती है। तीसरा, जैसे मैम ने कहा कि 9:30 डिनर का टाइम है, तो आपने बोल सकते हैं मैम मैं समझ सकती हूँ कि आपका डिनर का टाइम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें बदलाव कर पाए आज, तो आप मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस सेशन को देखने के बाद आप मुझे धन्यवाद कहेंगी कि सरिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मैं आज अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को बढ़ा पाई, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन भी है ना। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप इसको जरूर आए, आप इसको जरूर जरूर अटेंड करें। इस तरीके से हम कर सकते हैं, और फेसबुक लाइव से बुलाने से पहले कोशिश कर सकते हैं हम कई बार की हम उनकी डिटेल्स ले लें एंड उनको रजिस्टर कर लें, जो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं आज की मीटिंग को लेकर। जो भी सवाल आप में से किसी के भी मन में हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल किसी का भी हो तो वो पूछ सकते हैं। आपको हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए, और जो लोग अपने नाम से नहीं आए हैं उनको चैट में वो अपना सवाल चैट में ही पूछ पाएंगे। तो अभी हमारे पास 11 मिनट और हैं, तो आप में से कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। आज रात को 9:30 हम एक सेशन लेके आ रहे हैं फेसबुक लाइव पे, जहाँ पे मिस्टर रवि प्रकाश, जो बहुत ही अच्छे लीडर हैं VLCC वेल्थ साइंस के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, उनकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है, और एक वन मैन आर्मी की तरह, क्योंकि गोरखपुर बिल्कुल अलग है और वहाँ पे वो सिंगल हैंडली अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। और वो थाईलैंड, आगरा, गोवा, क्रूज, जोधपुर, मलेशिया, दुबई, अलमाटी, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे ट्रिप्स क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एक, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो एक बहुत एक कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है उनकी वो बहुत अच्छी है। और आज उनका सेशन है 9:30 फेसबुक लाइव में, तो आप जरूर आइए। और आप जब उनका सेशन चल रहा हो तो आप वॉच पार्टी कीजिए अपने पेज पे, अपनी आईडी पे। और देखिए जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनका सेशन कराने का ये एक फायदा है, एक तो जो अच्छे लीडर्स हैं उनको आप जान पाए, नंबर 1 उनके बारे में आप जान पाए, नंबर 2 आप उनकी लाइफ से कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं। हर एक आदमी के सक्सेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो आप उनको जान सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग उनसे ले सकते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब प्रीमियर करते हैं 11:00, तो उसमें आप आइए, जरूर आइए। अगर आप उस समय बिजी हैं तो उसके बाद में भी आप आइए और देखिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है। तो अभी
कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, जिनमें से पहला जो है वो है सरिता जी, कुछ पूछना चाहती है? हाँ जी मैम, तो ये अनम्यूट शायद नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, अनम्यूट नहीं हो पा रहा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम बोलिए जी। सर मुझे ये पूछना है, ये जो नया अभी ऑफर निकला है उसके बारे में कुछ पूछना था सर। जी सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना अकाउंट नंबर ही नहीं है, उनका पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, मगर उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो सर ऐसे में उनकी केवाईसी कैसे अपडेट होगी? पैन नंबर नहीं है और अकाउंट नंबर नहीं है? नहीं सर, पैन नंबर है और आधार नंबर है, मगर उनका कोई अकाउंट नहीं है उनका। जी सर, कुछ लेडीज ऐसी कि उनके मतलब उनको अलाउ नहीं है कि जब तक उनका अकाउंट नहीं खुलता तब तक आप उनके पे आउट होल्ड रहेंगे, जिस दिन खुल जाएगा उनको मिल जाएगा। ओके सर, तो सर वो ये जो व्यक्ति उनको ज्वाइन करवाते हैं वो इस क्राइटेरिया में आ जाएगा ना? हाँ जी, जो ज्वाइनिंग करवाएंगे नहीं और अगर उनका अकाउंट नंबर नहीं होगा तो वो इस क्राइटेरिया में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो केवाईसी कंपलसरी है ना? नहीं, बिना केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं है तो भी आप आईडी तो लगा सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, आईडी भी लगा सकते हैं, और अकाउंट खुलाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, अभी तो खुल सकता है ना, इसलिए जब उनका अकाउंट नंबर आ जाए तब आप अपडेट कराते हैं, जिस दिन अपडेट हो जाएगा उस दिन उनके पे आउट आने शुरू हो जाएंगे, तब तक वो होल्ड पे रहेंगे। और ये जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो जूम में कैसे आ सकते हैं? देखिए इसमें क्या है कि जैसे लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं, जूम की साइट पे जूम टाइप कीजिए लैपटॉप में कंप्यूटर में, और zoom.us में करके आप डायरेक्टली आ सकते हैं। zoom की वेबसाइट पे जाके भी आप अटेंड कर सकते हैं, तो अगर स्मार्टफोन नहीं है जूम में आ सकते हैं, है ना? ये है, तो ऐसे करके हरिराम जी आप लेके आ सकते हैं लोगों को। नीरज ठाकुर जी, आपके दोस्त कह रहे हैं आपको कि आपको शॉप ओपन करनी है और बल्क में ऑर्डर लेना चाहते हैं। देखिए बल्क में ऑर्डर मतलब आप अपनी आईडी पे ले सकते हैं ऑर्डर, हमारा एक मिनी स्टॉक ऑप्शन है, 30,000 का भी है, 50,000 का भी है, 1,00,000 का भी है, और अपनी इच्छा के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और 30,000 में कंपनी करीब 2,400 के, 50,000 में करीब 6,000 के, और 1,00,000 में करीब 12,000 के प्रोडक्ट्स कंपनी फ्री देती है। यस, जिस किसी ने आपको आज मीटिंग में बुलाया आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। यस, सपोज इम्पोर्टेंट ये है कि जो आदमी ऑर्डर कर रहा है ना वो बिजनेस माइंडसेट में है, तो बिल्कुल आप उनको लगाइए। कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी किसी को भी 2-3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं और वो बेचारा बेच नहीं पाता, तो उसको बाद में दिक्कत आती है ना। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, अगर वो प्रोफेशनल्स है, चीज़ों को समझता है, तो आप उसको वो खरीद सकता है प्रोडक्ट, अदरवाइज पूरे बेनिफिट उसके जो है वो, जिसने आपको मीटिंग में बुलाया आप उनसे पूछिए, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि एक सही सेशन है इस पर बात करने की। 6 मिनट रह गए हमारे पास, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर 50,000 दिए तो आपको 50,000 पे 60-62-65,000 के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं इस समय, और साथ में आपको 6,000 के प्रोडक्ट और मिल जाएंगे, तो करीब 50,000 पे 71,000 के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और 50,000 को आप 2 ID भी बिल कर सकते हैं, एक लेफ्ट टीम में, एक राइट टीम में, तो आपका पे आउट भी बन जाएगा, तो आपका पे आउट भी बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3-5,000 रुपये की आपकी इनकम भी आ जाएगी। तो जिस किसी ने आपको मीटिंग में बुलाया आप उनसे बात कर सकते हैं इसको लेके। और इस बीच और भी सवाल हैं काफ़ी सारे लोगों के, पूरन चंद्र जी हमारे साथ, जिनकी कुछ जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूरन जी पूछिए। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार, पूछिए। सर हम तो अभी से स्टार्ट किए हैं इस बिजनेस को, हाँ ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन एक्चुअली है क्या, इस लॉकडाउन में अभी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे। सर क्या आप इसमें लैप सेशन का जो ये है सर,
कितने का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमारा लैब सेशन नहीं होगा सर। सर देखिए आप जो हमारी रेगुलर ज्वाइनिंग है 2000 सेल्स वॉल्यूम का आपको ऑर्डर लगाना है, और 2000 सेल्स वॉल्यूम का अगर आप ऑर्डर लगा देंगे तो आपको फिर लैब सेशन आपका वॉल्यूम लैप्स नहीं होगा। आपका पे आउट लेने के लिए आपको 4 हफ्ते में एक बार 5 सेशन करना होता है, बाकी वॉल्यूम आपका लैप्स नहीं होगा। और जो आपके अदर सवाल है वो आप इमीडिएटली अपने अपलायंस से पूछे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये जो मीटिंग है मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल है वो मीटिंग को लेके आए, जो आज की मीटिंग है। तो पूरन जी आपको आपको जो भी आपके अपलायंस है आप उनसे बात कीजिए एक बार, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। गोपाल रावल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गोपाल जी सर जैसे मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि जो ये हमारा 6% का बोनस है, जैसे इसमें हमने केवाईसी का एक क्वेश्चन है कि केवाईसी अगर होगी तो केवाईसी का मतलब जैसे कुछ लोगों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ होता या कुछ लोगों का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो केवाईसी में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी माना जाएगा, या अगर शुरुआत में आधार कार्ड भी है तो इट इज मतलब ओके कि अगर उनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो ये कंपनी से हम बात कर सकते हैं इसको लेके, कम से कम आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, है ना। यही आई थिंक सरिता जी भी कुछ इसी तरीके का सवाल पूछना चाह रही थी। सरिता जी का ये सवाल था अगर, तो आप कंपनी से एक बार हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो आधार कार्ड को कंसिडर करें इसमें। जी गोपाल जी आप तो लीडरशिप काउंसिल में भी हैं, तो आप डायरेक्टली पूछ के हम सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर श्योर। ठीक है ठीक है। अरविंदर मैम कुछ पूछना चाह रही है। तो अरविंदर मैम का जो है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इज मस्ट फॉर केवाईसी, तो ये देवेंद्र राठौर जी के पास एक जानकारी है और अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी मैम बोलिए। नहीं सर पूछना कुछ नहीं था, वो आपकी डेमो के लिए हैंड रेस किया था। डेमो जो आपने कॉलिंग का डेमो दिया था। हाँ जी जी ठीक है तो आज का जो सेशन है उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हुए हैं, 5:30 से लेकर 6:30 हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि हम सारी की सारी डिटेल्स आपको दे दें, और आखिरी आधे घंटे में आपके सवाल जवाब हम लेंगे। कल अगेन हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे, और बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि अभी क्या है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, और कई लोग हैं जैसे कल की मीटिंग में करीब 12-13 लोगों ने ज्वाइन किया है, और हर मीटिंग में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। इनफैक्ट आज मैंने भी किसी एक को स्पॉन्सर किया है ऑलमोस्ट वही 1250 सेल्स वॉल्यूम से, क्योंकि 1250 सेल्स वॉल्यूम की 2 ज्वाइनिंग और 500 ऐसी बहुत जरूरी है। अगर आपको 6% में का बेनिफिट लेना है तो आप भी फटाफट से लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो संदीप उपाध्याय जी हमारे साथ हैं अभी इस वीडियो में बने हुए हैं, और पीसी मीना जी हमारे साथ रहते हैं मीटिंग्स में ज़्यादातर, और बहुत सारे लोग और भी हैं जो बहुत सारे रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है और हम सबके पास, तो आज का हम लोग यहीं पर मीटिंग क्लोज करते हैं। और थोड़ा सा देखिए जैसे हमने क्या किया है, हमने 3 जोन में डिवाइड किया है लीडर्स को, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। और रेड जोन में वो लोग हैं जिनके 50 लोग भी नए नहीं आ रहे हैं टीम में, और 100 लोग भी पुराने ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं। ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में वो लोग हैं जिनके 200 लोग रीऑर्डर कर रहे हैं और 100 लोग नए आ रहे हैं जिनकी टीम में, और ग्रीन जोन में हम उनको मान रहे हैं जिनके 500 लोग पुराने ऑर्डर कर रहे हैं और 250 लोग नए जिनकी टीम में आ रहे हैं। तो अगर आप अभी रेड जोन में भी नहीं है तो थोड़ा सा रेड जोन में आइए, और आपको ऑरेंज जोन में आना है फटाफट से। देखिए भीड़ चाहिए हमें, भीड़ चाहिए, लोग चाहिए। देखिए अगर आपके 500 लोग पुराने ऑर्डर डाल रहे होंगे और 250 लोग नए बिजनेस में आ रहे होंगे, तो 750 लोग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, है ना। आपका पे आउट मिनिमम 1,00,000 रुपए होगा, और अगर आप 1,00,000 रुपए महीना नहीं कमा पा रहे तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स हैं इनका फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपको फटाफट से ऑरेंज और ग्रीन जोन में आना है जल्दी जल्दी, और अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं तो फोकस कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि कब मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा कि जिसमें 50 लोग तो एटलीस्ट, मैं 50 लोग तो एटलीस्ट आए हैं। तो इसको हम लोग जो हमारी लीडरशिप मीट है उसमें बहुत डिटेल से बात करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आप सबने, आप सभी लोग अंत तक हमारे बने हुए हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और निश्चित रूप से आपको ये जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी लगी होगी। कल 5:30 बजे फिर मिलेंगे जूम मीटिंग में। कल 4:30 बजे हम लोग फेसबुक लाइव करेंगे, जो 5 बजे की जगह 4:30 बजे फेसबुक लाइव करेंगे, और 11 बजे यूट्यूब प्रीमियर करेंगे, और 9:30 बजे हम लोग करेंगे फेसबुक लाइव। तो फाइनली थैंक यू अंकित जी, और फाइनली आज के लिए बस इतना ही, आज यहीं पे क्लोज करते हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।